हरियाणा की मिट्टी ने हिंदुस्तान को बहुत से नामी पहलवान दिए हैं। ऐसे ही रोहतक जिले के एक ऐसे पहलवान हमारे साथ हैं जो स्टेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन और अभी हाल ही में संपन्न हुए कॉमनवेल्थ 2018 गेम्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं। सोमवीर कादियान जी हमारे साथ हैं। सोमवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है। सोमवीर जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस कुश्ती का जुनून कैसे आपके सर पर सवार हुआ, कैसे शुरुआत हुई आपकी कुश्ती? मेरा जन्म ही अखाड़े में हुआ था। मेरे पिताजी रेसलर हैं, वो एशियाड मेडलिस्ट भारत के श्री रुस्तम हिंद रह चुके हैं, तो उन्होंने ही मेरे को, जैसे कि मुझे तो जब पता लगा तो मैं रेसलिंग करना ही, मेरे स्टार्ट ही रेसलिंग हो चुकी थी मेरी, तो मैं तो बहुत ही छोटा था उस टाइम से खेलते थे पहले, बाद में प्रैक्टिस करने लगे, बाद में इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने लगे, तो ऐसे ही मेरा सफ़र शुरू हुआ था। फिर अखाड़े लड़ने कब से स्टार्ट किया आपने, कैसे शुरुआत हुई? जो हमारे यहाँ देहात में जो भी रेसलिंग के दंगल होते हैं उसमें मेरे पिताजी लेके जाते थे मेरे को और मेरी छः छः कुश्तियाँ करवाते थे, कोई जीतता कोई हारता, जीतने के बाद बहुत ज़्यादा मेरे को वो प्रोत्साहन मिलता कि मैं और कुछ और आगे और खेलूँ और खेलूँ, तो ऐसे ऐसे खेलता गया और मैं ऊँचाइयों पर जाता गया। और ये जो चैंपियनशिप होते हैं जैसे स्टेट की होगी या फिर नेशनल की होगी, कैसे जानूं? जो अब अभी गवर्नमेंट जो पूरा जो भी गद्दे को ही महत्व देते हैं, तो उस पर पहले मैंने स्कूल लेवल पे गद्दे पे पार्टिसिपेट किया, उसके बाद कैडेट जूनियर और फिर सीनियर में, सीनियर के बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया, तो जैसे जैसे मैं ऊपर लेवल पे खेलता गया तो और उससे ऊपर लेवल के मेरे अंदर भूख होती गई। तो ऐसा आपने बचपन से ही सोचा था कि मुझे रेसलिंग में ही जाना है, पहलवान ही बनना है, कभी पढ़ाई या किसी दूसरे प्रोफेशन की तरफ सोचा ही नहीं? नहीं, पढ़ाई तो साथ साथ चलती थी लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि एक गेम में ज़्यादा हमारा जो सर्कल था वो गेम का ही था, तो उस पे ज़्यादा फोकस रहता था। एकदम फोकस था कि मुझे रेसलिंग में ही जाना? हाँ, फोकस तो था ही, क्योंकि पिताजी सिखाते थे और पहले भी यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे और इंटरनेशनल लेवल के भी और नेशनल लेवल के तो बहुत सारे जो रेसलर यहाँ अखाड़े में तैयार हुए हैं, तो उनको देखता था तो मेरे को भी थोड़ा सा होता था कि मैं भी कुछ करूँ। सोमवीर जी, पहली नेशनल चैंपियनशिप कब खेली आपने? पहली नेशनल चैंपियनशिप मैंने 2009 में खेली थी कैडेट की। अच्छा। जो ऊना में हुई थी और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, देन उसके बाद एशिया कैडेट मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें ब्रॉन्ज मेडल वहाँ भी जीता, तो ऐसे नेशनल कैंप्स लगते हैं उसमें ट्रेनिंग और हाई लेवल की जो मैट की ट्रेनिंग होती है उसका पता लगता है। तो कैसा महसूस होता है, मतलब पहली बार जब आपने नेशनल चैंपियनशिप के लिए खेला होगा तो एक गर्व की अनुभूति होती है मन में, लगता है इस तरह की भावना, थोड़ा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, जीतने के बाद सभी को खुशी होती है, मैं अकेला नहीं हूँ, और जीतने के बाद फिर ऐसा होता है कि भाई अगर इससे इतनी खुशी मिली और इससे आगे जीतूंगा तो और ज़्यादा खुशी होगी और ज़्यादा नाम होगा। सोमवीर जी, हार जीत खेल में चलती रहती है, कभी ऐसा भी हुआ होगा कि हार का भी सामना करना पड़ा होगा? हाँ, काफ़ी बार। मनोबल ना टूटे, बना रहे, उसके लिए कहाँ से शिक्षा मिलती है, कैसे क्या करते हैं? हार, पहले तो हारना ही पड़ता है, उसके बाद ही जीत मिलती है, और जैसे कुश्ती में हारता तो मेरे पिताजी बोलते कुछ नहीं, 100 कुश्ती हारने के बाद जीतने लगता है, और जीत हार तो चलती ही रहती है, इससे मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, तो मेरे पिताजी मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिव करते थे। सोमवीर जी, दो तरह की कुश्तियाँ देखने को मिलती हैं, एक तो जो मिट्टी पर लड़ी जाती हैं, एक कुश्ती आजकल एक प्रोफेशनल रूप ले रही है जो कि मैट पर लड़ी जा रही है। आप क्या मानते हैं कि शुरुआत एक अच्छे पहलवान को कहाँ से करनी चाहिए और उसका फ़ायदा क्या है? शुरुआत अभी तो, पहले तो जो थी रेसलिंग वो सभी मिट्टी से करते थे, तो और जो अब जो रेसलिंग जो एक नया एक ऊँचाइयों पर गई है अब, तो अभी हर गाँव में यहाँ पर हरियाणा सरकार ने जो भी सभी ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया कराई हैं, गांव में मैट दिए हैं, हॉल बनवाए हैं, तो अब तो सभी मैट से ही अपनी जो अपना जो लक्ष्य है उसको मैट से ही शुरू कर रहे हैं, बाकी जो दंगल्स होते हैं उसमें पहलवान अपना कुछ खाने के लिए कुछ मनी प्राइज मिलता है उनको, तो ये भी चलता रहता है एक साइड में। सुमित जी, किन किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखना पड़ता है पहलवान को, मतलब कैसा कैसा शेड्यूल होता है? जाहिर रूप से एक जो हम जैसा कोई नॉर्मल आदमी है उससे तो अलग ही होता होगा, कैसे अलग होता है, क्या कुछ करना पड़ता है? रेसलिंग के लिए सर एक तो पूरा दिन मींस की एक तो जो बाहरी लाइफ है उससे कटना पड़ेगा, कोई भी हम घूमना फिरना
कहीं मूवी देखना, वो इंजॉय करना, ये तो बिल्कुल बंद करना होता है। और क्योंकि एक सक्सेसफुल के लिए, लाइफ के लिए और गेम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो खुद ही हम इतने टायर्ड हो जाएंगे कि हमारा घूमने का मन ही नहीं करेगा। ओनली रेस्ट, प्रैक्टिस, रेस्ट, बस यही चलता है। यानी कि एक पहलवान का जीवन जो है वो एक तरह से साधना होती है, तपस्या होती है, उस पर चलते ही काम करना पड़ता है। साधना के बगैर तो सर कुछ मिलता ही नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। तो सुमीर जी, जब आपने ब्रॉन्ज मेडल अभी इसमें कॉमनवेल्थ में जीता, तो जब तिरंगा झंडा ऊपर जाता है और खड़े होते हैं मेडल लेने के लिए, गर्दन झुकाते हैं, तो क्या कुछ भावनाएं रहती है उस समय में? उस पल की मैं आपको बता भी नहीं सकता और आप शायद समझ भी नहीं सकते। वहाँ तो देखा, अब मेरे अभी भी ये जो रूम्स हैं मेरे, ये अभी उठ गए हैं, उसको मैं अभी याद आ गया आपने बताया, तो वो ऐसा पल होता है उसको मैं बता ही नहीं सकता आपको। एक अपने देश के लिए कुछ करते हैं, बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। मन में चलता क्या रहता है, मतलब उस समय गर्व तो बहुत हुआ होगा आपको कि मैं बस ऐसे तिरंगा झंडा मेरा झंडे को ऐसे देखते हैं बस ऊपर जाता जाता कि भाई यहाँ कुछ हमने किया देश के लिए।